पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष एचएस फुलका अपने सभी विधायकों के साथ गुरुनगरी अमृतसर पहुंचे तथा सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर यहां से पंजाब यात्रा का आगाज किया। पंजाब यात्रा के संबंध में एचएस फुलका ने बताया कि उन्हें कई लोगों ने संपर्क कर चंडीगढ़ में आकर मिलने के लिए कहा था, लेकिन लोगों को वहाँ आकर किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो, इसलिए आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट ने फैसला लिया है कि वह खुद पंजाब के हर एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे था लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें विधानसभा में उठाएंगे। असीं ये फैसला किया कि विधानसभा दे विच मुद्दे चुकन दे वास्ते लोग चंडीगढ़ लीडर ऑफ ऑपोजिशन दे कोले जांदे आ। ते मैनू भी बड़े लोगों के फोन आते सी कि जी तुहाडे कोले चंडीगढ़ आना, तो मैनू यह लग्या कि वह चंडीगढ़ जान, वो पहले ही सते हुए आ सरकार तो, सरकार के खिलाफ शिकायतां, तो यह बेहतर होएगा कि मैं अपनी MLA की टीम नू नाल लेके उत्थे लोगों को ले जाइए। असी सारे डिस्ट्रिक्ट दा दे हेडक्वार्टर च जा रहे हैं और यह फैसला किया हर सैशन तो पहला ए पंजाब यात्रा की जाऊगी। सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जावांगे, जाके जो जो लोगों दी शिकायतां ने सरकार के खिलाफ, तो उन्होंने असी उत्थों लैके विधानसभा भी चुकांगे, सरकार नाल भी लवेंगे, तो बाकी जो प्लेटफॉर्म आ उत्थे भी उन्होंने लिया जाएगा। जिहड़े तां वड्डे मुद्दे आ उह तां सब नूं पता, वह अखबारां च भी आ जांदे आ। कई बार मुद्दे ऐसे होंदे आ जिहड़े कि आम आदमी पार्टी की जिंदगी नाल जुड़े हुए आ, पर उन्ना उभर के नहीं आते, वह जमीन के उत्ते रहिंदे आ। असीं उह मुद्दिआं नूं जमीन तो चुक के जाके विधानसभा दे विच रखना, यह मकसद है इस यात्रा का। देखो, मनप्रीत बादल जी नाल मैं सहमत हाँ, और ज़्यादातर क्योंकि अंदर रहे उन्हां नूं अंदर दीआं गल्लां सारीआं पता की हुंदा। जिहड़ा इह उन्होंने मॉडल अपनाया कि जी असीं बॉन्ड करांगे, ये मॉडल बिल्कुल चलन वाला नहीं है। पर चलो, चाहे बॉन्ड कर चाहे जो मर्जी कर जी, सानू अक्सले उन्हों का वादा पूरा करन तक मतलब आ। पैसा चाहे बॉन्डा तो लाउन चाहे जितों मर्जी लियान, किसानों नू दा कर्जा माफ होना चाहिए। कल नू ए नहीं कि हुण बॉन्ड नहीं आए जी, हुण कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, अज तो बाद पहला भी असी कहा सी, जदों उन्हां दी सरकार आई उस तो मगरों किसानों ने अपनियां किश्तां देणियां बंद करतियां, पीलर इंट्रस्ट लग रहे आ, उन्हां नू तंग किया जा रहा, और जिहड़ा इन्हां दा कर्जा माफ़ी सी वह एवें कल्ले UP वांगू नहीं कि सिर्फ जमीना दा ही किया जाए, वो जिहड़े एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट आ, ट्रैक्टर आ ते दूजियां मशीनां, वह भी वादा नाल सी, वह भी कर्जा नाल किसानों का माफ़ होना चाहिए। तो सरकार का फर्ज बनता जितों मर्जी पैसा लेके आने, इन्होंने वादा किया, फिर इन्हों पहला कहना चाहिए सी जी सेंटर सरकार दूगी असं नहीं देवे, हुण इन्हां ने वादा इन्हां दा खुद दा। मैं तो उत्थे पिछे जे कहा सी, उदो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा सी, जेकर इन्हां नूं नहीं आउंदा तां भाई साडे कोले दस देण, असीं दस देणा तरीका की आ करन दा। आउणगे, ओह MCD इलैक्शन च बिजी सी, केजरीवाल जी खुद आउणगे, ओह जरूर आउणगे। बिल्कुल इहदे विच देखो, जदों भी कोई जो तुसीं उम्मीद सी उम्मीद तों घट परफॉर्मेंस आई आ, चाहे वह पार्टी होवे चाहे कोई होर संस्था होवे, उन्हां दा फिर उदू बाद बनता है कि असीं इहदे वास्ते मंथन करिए, इत्थे विचार करिए कि क्यों आया। और केजरीवाल तो खुद कह चुके हैं कि असीं ब्लैकबोर्ड से वापस जावांगे। ब्लैकबोर्ड से वापस जाने का मतलब कि जो असीं पहली प्लैन बनाई अपनी, वह प्लैन नूं असीं वापस कंसिडर कर रहे हैं कि वह प्लैन दे विच की कमियां सी, ते हुण इस करके सारा विचार करके उदू बाद वो जिहड़ी प्लैन पलानी सी उहदे प्लैन च जो कमियां पेशियां दूर करके फिर जनता को लिया। देखो जी, अज दे दिन दे विच कोई दवा नहीं है, जदों दे मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनिया आ मेरे नाल MLA सारे खड़े सी, आपस फैसला करके जो सानू सही लगता असी वो कदम लैने, अपने आप असी फैसले लैने, कोई दिल्ली तो इंटरफेरेंस नहीं है, कोई दिल्ली तो दबा नहीं है।